हेलो। हेलो। हाँ यस जी सर, मैम। नमस्ते जी मैम नमस्ते, बताइए। सर, क्या चल रहा है उन पैसे में? हाँ ऑन पैसे में? जी मैम ऑन पैसे में 1 महीने का इंतजार है, बाकी कुछ नहीं है। 1 महीने बाद सर, पता चला छह गया सात कि दिन हो गए सर, कुछ लग नहीं रहा कि 1 महीने में कुछ होने तो वाला है मैम क्या छह सर। सात दिन हुए ना, अभी पूरा महीना बाकी पड़ा है, आप इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? वो तो फिर ठीक है सर, पर 6 7 दिन में कुछ तो चेंज आना चाहिए था, 2.5 महीने की मैम देखो करीब चेंज, वेबसाइट बंद हुई हो गई। देखो मैम चेंज की बात कर रहे हैं ना आप, तो चेंज जिस दिन अपन लाइव आएंगे, हाँ जिस जी दिन अपनी वेबसाइट आएगी, इकोसिस्टम आएगा अपना, वो फाउंडर डॉट नेट आएगा ना, चेंज आपको उस दिन से दिखाई देगा। ठीक है, अब वो बात जो ठीक है सर, पर मतलब जिस हिसाब से कंपनी कह रही है कि 1 महीने में सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज मतलब नहीं जो होगा हम मैम, देखना चाह रहे हैं ना जो आप देखना वो चाह रहे हो इतना सारा चेंजेस नहीं होगा। चीजें काफी हद तक हो चुकी होंगी 1 महीने ऑन के अंदर। पैसिव का 1 महीने में, सितंबर के महीने में सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव लौट के वापस आएगा मैम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी हाँ बोला था, जी आप अपने माइंड से इस चीज को निकाल देना कि आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी, कि अच्छा आपके जी। इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं बोला है मिस्टर एश ने, मिस्टर एश ने बोला है कि हम लौट के वापस आ रहे हैं। अच्छा जी। एक ही लाइन बोली है कि 1 महीने के समय जो उन्होंने लिया है वो डेटा सिक्योर कर लिया है, बस सिस्टम जो रेडी होगा वो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी आंखों के सामने आ जाएगा, अपना ऑन पैसे मतलब वापस लौट के। वेबसाइट वगैरह हाँ वो बिल्कुल, ओपन हो आपका जाएंगे। वेबसाइट, आपका इकोसिस्टम, आपका वो फाउंडर डॉट नेट, जो भी सारी चीजें हैं ना उनके हाँ लिए बोला है 1 महीने में। ऐसा नहीं बोला है कि 1 महीने में आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। ठीक है मैम, जी तो मेन बातें यही है कि मैम किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तो यही डिसाइड नहीं है हाँ कि जी। जीरो टीम को कितना मिलेगा, टीम वालों को कितना मिलेगा, जिसने इस प्लेटफॉर्म पर आकर मेहनत करी है उनको कितना रिटर्न मिलेगा, लोगों का पेंडिंग विड्रोल्स कब मिलेगा, मतलब हाँ बहुत जी। सारे जो मन में डाउट चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे डाउट तब क्लियर होंगे जब जाके इसकी वेबसाइट आ जाएगी, और वापस से आपको वहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा ओ कनेक्ट के लिए। अच्छा जी, मतलब 1 महीने बाद हम वेबसाइट को विजिट कर सकेंगे, बस एक इतना महीने रहेगा। बाद में नहीं मैम, 1 महीने के अंदर अंदर, ये जो अच्छा सितंबर का जी, जो महीना है ना, इस महीने इस के अंदर महीने के अंदर ही अंदर आपको पता अंदर। लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और जैसे ही वेबसाइट आएगी, जब इसका ओ कनेक्ट आएगा आपके सामने, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अच्छा खुद जी। को पता लग जाएगा कि ऑन पैसिव क्या है। ठीक है, उसके बाद में सारा प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगा, हाँ जी। और जैसा कि मैम सुनने में आ रहा है कि अब की बार जब ऑन पैसिव आएगा ना तो शायद ये बंद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, जैसे बीच बीच में कई बार मतलब इश्यूज आ, हाँ कंटिन्यू बिल्कुल चलता रहेगा जो बिल्कुल चल रहा है। कंटिन्यूअस चलता ट्रैफिक रहेगा। इस प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया वगैरह में कितना टाइम लगेगा सर आपके हिसाब से, ट्रैफिक मैम, मेरे हिसाब, आने देखो में? मैम इसमें मेरा हिसाब नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं मतलब आपके मैं तो माइंड चाहता हूँ में भी तो वेबसाइट कुछ भी चीजें ना आ आए, रही कुछ भी नहीं होंगी। आए, अरे सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रैफिक ही आ सर, जाए। वो तो खैर सर एस्मो फारे चाहेंगे वैसे ही होगा, पर आपके दिमाग में भी तो कुछ चल रहा होगा। देखो मैम मेरे माइंड की, यदि आप पे लेना चाहते हो, सुनना चाहते हो मेरे माइंड के बारे में, तो मैम देखो सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट आ जाएगी। हाँ सपोज जी। करो जैसे 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मिस्टर एश का जन्मदिन है। ठीक है, हाँ जी। तो सपोज करो यदि उस दिन अपनी वेबसाइट आ जाती है, अपने पास इकोसिस्टम आ जाता है, तो मैं हाँ जी। सेम डे उसी दिन जिस दिन हाँ मेरे जी। पास अपना वो कनेक्ट होगा मैम, उसी दिन मैं आपको शायद मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, जितना मेरा माइंड काम करता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ आपको कि मैम अपनी लाइफ बदलेगी या नहीं बदलेगी। ठीक है, समझे जी आप मेरी बातों को? जी बिल्कुल जब समझ ओ रहा हूँ। कनेक्ट आएगा अपने पास, जिस दिन अपने ओ कनेक्ट को, सिर्फ मैं ओ कनेक्ट की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हाँ बाकी जी। और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऑन पैसे का सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल जो प्रोडक्ट लगता है ना करंट एनवायरमेंट को देखते हुए, वो हाँ मुझे जी। इसका ओ कनेक्ट ही लगता है। अच्छा ठीक जी। है, ओ कनेक्ट जिस दिन वापस से लौट के आएगा उस दिन मैम मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको ऑन पैसिव से इनकम कितनी मतलब होगी। आप ओ कनेक्ट को देख के ही बता देंगे कि बिल्कुल, उसमें कितना दम है। हाँ वो तो मैम सभी बता देंगे, आप भी हाँ खुद भी जी बता दोगे उसमें, मैं क्या हूँ उसमें, वो तो आप भी बता दोगे उसमें। तो जो भी जी बंदा ओ कनेक्ट को यूज में लेगा, ओ कनेक्ट के जब वो फीचर्स देखेगा कि हाँ यार कितना बदलाव मुझे ओ कनेक्ट में मिला है पिछले और ढाई कितना महीने से मेरा, बदलाव वो कनेक्ट से हमारी लाइफ में आएगा ये भी बता देंगे आप, हाँ ओ कनेक्ट से अपनी लाइफ में कितना बदलाव आएगा ये भी ये मैम पता चीज़ लग आप बता। जाएगा। अच्छा ठीक है, बट जी। एक बार आप उसको आ जाने दो, ठीक है, वो किस तरीके से लौट के वापस आता है क्या, काफी इंतजार हो चुका है। आपने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो याद है ना मैम जी आपको? बिल्कुल, सब कुछ याद है, एक बार मौका तो दे कंपनी, अरे तैयार मैम बिल्कुल, कंपनी आपको मौका देगी, रहते हैं सर। बिल्कुल आपको मौका देगी, आप लॉगिन कर पाओगे जैसा मिस्टर एश ने, पासवर्ड और लॉगिन का यूज करें, बस हम भी मैम यही वही इंतजार बात कर रहे है कि हैं। बस उसके लिए आपको और मेरे को बस वेट करना है, और वेट के सिवा अपने पास कुछ भी नहीं है। ठीक
है। देखो मैम, हर कंपनी का है ना कुछ रोड मैप होता है, ठीक है। हर बिल्कुल कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, जिसके साथ में जी पब्लिक जुड़ी हुई है, उसका एक रोड मैप होता है। बट अभी तक ऑन पैसिव ने अपना रोड मैप नहीं दिया है। बस सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इस कंपनी की, कि इसने अपना रोड मैप क्यों नहीं दे पा रही रोड है, मैप नहीं दे ठीक पा है रही मैम। सारी बिल्कुल। चीजों का, सारी कंपनियों का होता है रोड मैप। वो क्लियर बता देती है कि हम जनवरी में ये करने वाले हैं, इस क्वार्टर में ये करेंगे, और इस ईयर में हम ये करेंगे, इस मंथ में हम ये करेंगे, ठीक है। जो इस हाँ टाइप की जो जी कंपनीज होती हैं वो रोड मैप के अकॉर्डिंग काम करती है। बट आप देखते हैं कुछ ना कुछ ऑन पैसिव का भी ऐसा रोड मैप आएगा कि मैम, कि पेमेंट प्रोसेसर किस हिसाब से स्टार्ट होगा, विड्रॉल किस हिसाब से स्टार्ट होगा, ट्रैफिक कमीशन जो आपको जनरेट होगा वो किस तरीके से जनरेट होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको पता लगेगी जब ऑन पैसिव एक बार लौट के वापस आ जाएगा। देखो मैम, देखो अकेला आदमी है, आप ये बात सोचो, ठीक है। अकेला आदमी है, उस आदमी को इतने लोग धोखा दे चुके हैं, ठीक है, कितने लोग धोखा दे चुके हैं उस आदमी को। बट उसकी हिम्मत देखो आप, वो हर हाँ थ्री जी सिक्सटी वेबिनार में, पिछली बार तो खैर नहीं आए, बाकी कंटिन्यूस आ रहे हैं। कभी हाँ ओरोन जी में आते हैं, कभी ओमिनू में आते हैं, कभी 360 में आते हैं, कभी हाँ वैसे भी जी लाइव सेशन हो जाते हैं उसमें आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट वो अपने लिए लेके आते रहते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। अपना काम क्या है, अपना काम जो था कि अपने को पैकेज को सब्सक्राइब करना था और हाँ फाउंडरशिप अपना लेनी काम तो थी, अपन कर चुके सर, वो अपना काम अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप तो जो करना है वो अब कंपनी का ही नई करते जो रहते। गाइडलाइन आएगी ऑन पैसिव की तरफ से, कौन सी गाइडलाइन आती है, हाँ ये जी वाली गाइडलाइन भी आ सकती है कि आपको इसमें मेंबर्स, यूजर्स इनवाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये वाली ओके गाइडलाइन भी आ सकती है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत है, सिर्फ हाँ और सिर्फ ऑन जी पैसे के साथ आप पॉजिटिव रहिए, आपके पैनल में ऑटोमेटिक ट्रैफिक गिरने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑन जी पैसे दोनों तरीके से बता सकती है, ये भी बोल सकती है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करने की जरूरत है। बट मैं जितना समझता हूँ, मैं जितना जानता हूँ, शायद इस प्लेटफॉर्म पर जितनी आप मेहनत करोगे, ठीक हाँ है, जी जितनी ज़्यादा आपकी भूख है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रैफिक कमीशन जनरेट होगा, ठीक है। बट जी वो आने वाले समय में आप मतलब किसी, मतलब आपकी कम्युनिटी है ऐसी कम्युनिटी कि आप यूजर्स बना सकते हैं इस कंपनी में मैम? यूजर तो ज्यादा तो नहीं सर, पर थोड़े बहुत तो बना ही लेंगे, थोड़े मैम बहुत तो देखो, है थोड़े बहुत कम्युनिटी। कम्युनिटी वाली बात नहीं है मैम, यूजर्स यदि आप सपोज करो, जैसे ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट कोई इंडिविजुअल बंदे के तो काम का ये प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। हाँ जी यदि बिल्कुल उसके मान लो बहुत बड़ी टीम है, या मतलब कोई उसके ऐसे साथी हैं जिनसे वो रेगुलर कनेक्टिविटी बनाना चाहता है, तो वो बंदा जरूर इसको परचेज करेगा, बाकी इसके ट्रायल वर्जन पे, फ्री वर्जन पे ही वो काम कर लेगा, ठीक है। आपको इसके जो बायर्स जो है ना, इसके जो पैकेज को सब्सक्राइब करने वाले जो बंदे हैं, वो हाँ मैम बड़े जी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, वो इस टाइप के टूल्स को ज्यादा यूज में लेते हैं, पेइंग हाँ वाले जी टूल्स को। हाँ बाकी जी फ्री तो देखो सबके लिए फ्री है ही, ठीक है। हाँ हाँ यदि बिल्कुल 100 से कम की कैपेसिटी है तो फ्री है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, इसकी हाँ जो जी एज ग्रुप जो है, इसका टारगेटेड कस्टमर जो है मैम इसके, वो इसकी है ना थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। हाँ जी हाँ मतलब हर कोई बंदा इसको परचेज करना पसंद नहीं करेगा, इसके टारगेटेड कस्टमर कुछ अलग है, ठीक हाँ है। तो कैसे वही कैसे जी मैम, टारगेटेड कस्टमर मैम देखो, हर कंपनी का एक टारगेट होता है ना, जैसे मार्केट में आप कुछ लेके आ रहे हो तो ये जरूरी थोड़ा है कि आपका प्रोडक्ट हर किसी बंदे का ही काम का हो, ठीक हाँ है। जी उसके लिए बिल्कुल एक टारगेटेड कस्टमर होता है, कंपनी का भी एक टारगेटेड प्लान होता है कि मुझे इस एज ग्रुप के बंदे को कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, और इस एरिया पे मुझे फोकस करना है कि इस एरिया में मेरा ये प्रोडक्ट जा सकता है। हाँ जी वो बिल्कुल आप टाइम आने दो, एक बार ओ कनेक्ट को आने दो अपने पास। जिस दिन ओ कनेक्ट आएगा, जिस दिन आप मार्केट में थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करेंगे, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि ओ हाँ कनेक्ट जी में क्या दम है, और ओ कनेक्ट को मैं कितने जनों को फॉरवर्ड कर सकती हूँ, कितने लोगों को मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ, और कितने यूजर्स मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ आ सकती हूँ, सकते ठीक हैं। है। हाँ तो जी अभी जब ठीक तक है ऑन ठीक पैसे लौट के नहीं आएगा, तब तक अपन इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे कि क्या करना है है क्या नहीं करना। वो अपने को जो जो गाइडलाइन अपने को मिलेगी, देखो अभी तक अपने को हर उसी एक चीज हिसाब की, से चलेंगे। अपने को अभी तक हर एक चीज की गाइडलाइन मिलती आ रही कंपनी से कि आपको हाँ ये जी करना है, आपको ये इनका अफिलिएट फॉर्म आया हुआ है इसको साइन करना है, आपको पैकेज सब्सक्राइब करना है, आपको फाउंडरशिप लेनी है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन सारे काम करते आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे हाँ ही जी लॉन्च होगा तो न्यू गाइडलाइन जो आएगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है मैम। हाँ ठीक है देखो सर एक इस कंपनी में क्या है, एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहता है, ठीक है। जैसे जो मिस्टर ऐश मुफारे हैं और जो अपने इंडियन लीडर्स हैं मैम, ठीक है, हाँ जी मैं आपको मैम दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन अपना ऑन पैसिव लौट के आएगा ना, हाँ तो जी जो इंडियन लीडर्स है ना मैम, जो ये बात बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है बट मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, अच्छा वो सारा का सारा क्रेडिट है ना वो लेने की हाँ कोशिश करेंगे।
ठीक है? जी मतलब जैसे होता है ना कि क्रेडिट सारा का सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है और पैसे को यहाँ तक पहुंचाने में, ठीक है मैम? हाँ जिस दिन जी देखना आप, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जिस दिन और पैसे लौट के वापस आएगा, और जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा है, उस दिन इंडियन लीडर्स जो है ना, वो भी देखो मैम, वो भी एक फाउंडर ही है, वो भी एक आम आदमी है, ठीक है, पर वो जी क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमारे बलबूते पर उन पैसे वापस लौट के आए हैं, ठीक है। हाँ जी बस इसमें सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ एक बंदे को जाता है, वो है मिस्टर अशरफ आरे, ठीक है। उनकी जो स्ट्रगल है, बिल्कुल उनका जो मेहनत है, उनका जो माइंड है, ठीक है, कि इस बिल्कुल टाइप का प्लेटफॉर्म उन्होंने पब्लिक के लिए बनाया है, तो शायद सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। और हाँ बाकी सबसे जी बड़ी बात यह है कि उन पैसे के पास डेटा सिक्योर है, 100% सेफ डेटा उन पैसे ने तैयार कर लिया है। तो लेट्स सी मैम, देखते हैं, ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, अभी छह हाँ सात जी दिन हुए हैं मिस्टर एश को इस बात के बारे में बोले हुए, अभी हाँ पूरा का जी पूरा महीना पड़ा हुआ है, और शायद जी पॉसिबिलिटी है कि मिस्टर एश के बर्थडे वाले दिन भी शायद अपने को ये वाली कुछ गुड चीजें, न्यूज मिले। हाँ बिल्कुल, आपकी वेबसाइट शायद खुल जाए उस दिन, और आपका इकोसिस्टम लॉगिन हो जाए और आपका ओ कनेक्ट वापस से देखने को मिल जाए, ठीक है मैम? तो आप कब तक ओके का सर, इंतजार करने के लिए बोल रहे थे, कि कब तक का इंतजार? मैं तो इस ईयर के एंड तक। हाँ इस ईयर के एंड तक वेट करेंगे ना आप, ठीक जी है मैम? आपके बिल्कुल पास अभी काफी टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास अभी, ठीक है। इस हाँ ईयर के जी एंड तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके और मेरे माइंड में चल रही है, 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स के माइंड में जो बातें चल रही हैं, वो हाँ शायद जी इस एंड तक, इस ईयर के एंड तक पॉसिबिलिटीज है ही है, ये मान के ओके चलो आप, ठीक है मैम? सर, ओके सर, थैंक ठीक यू है सर। मैम, ओके, मोस्ट वेलकम।